उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सरन सिंह को भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद बृजभूषण सरन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी कार्यकारिणी का भी अंत हो गया है। अब भारतीय कुश्ती संघ के नए कार्यकारिणी के लिए 45 दिनों के भीतर चुनाव होंगे, जिसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पूरा कराएगा। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव के लिए बृजभूषण सरन सिंह ने अब एक नई तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच ये दबाव केंद्र सरकार पर है कि बृजभूषण सरन सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो। कारण, दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुई वो 2 FIR है जो पहलवानों की ओर से लिखाई गई है। इन FIR में यह आरोप है कि बृजभूषण सरन सिंह ने नाबालिग पहलवान का यौन शोषण किया है। आरोप गंभीर है, इसलिए बीजेपी पर भी लगातार कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में आश्वासन भी दिए हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। सारी कवायदों के बीच बृजभूषण सरन सिंह पर किसी एक्शन को लेकर बीजेपी भी थोड़ी सतर्क है। कारण, बृजभूषण का राजनीतिक प्रभाव है, जिसके आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी कराया जाना है। दरअसल बृजभूषण सरन सिंह का उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल और अवध क्षेत्र में खास राजनीतिक रसूख कहा जाता है। कैसरगंज सीट से 5 बार सांसद बन चुके बृजभूषण सरन सिंह इस इलाके के उन लोगों में जाने जाते हैं जिनके एक इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ नंदिनी नगर के उनके कॉलेज में इकट्ठा हो जाती है। प्रदेश में शिक्षा नेटवर्क से लेकर पहलवानों के बीच तमाम तरीके की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां कराने वाले बृजभूषण सरन सिंह को राम मंदिर आंदोलन का चेहरा भी कहा जाता है। इन सभी पृष्ठभूमियों को देखते हुए बीजेपी भी ये नहीं चाहती कि बृजभूषण पर हुए किसी एक्शन के कारण उसे राजपूत वोटों की खिलाफत का सामना करना पड़े। बृजभूषण सरन सिंह उन चेहरों में जाने जाते हैं जिनकी प्रदेश के राजपूत बिरादरी में एक बड़ी पहचान है। प्रदेश में रॉबिनहुड छवि वाले बृजभूषण सरन सिंह के ऊपर तमाम गंभीर आरोप होने के बावजूद भी बीजेपी ने आज तक उनसे कोई किनारा नहीं किया, जबकि उन्हीं के जितने मुकदमे वाले तमाम अन्य लोगों पर बुलडोजर एक्शन तक की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन बृजभूषण का राजनीतिक रसूख क्या है, उसे इस बात से समझ लेना चाहिए कि जो पहलवान उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं वो एक जमाने में उनका प्रचार भी किया करते थे। बृजभूषण सरन सिंह की इस तमाम लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी इस बार ये जानती है कि अगर 2024 से पहले उन पर कोई एक्शन होता है तो इसका नुकसान 2024 के चुनाव में होगा। कैसरगंज की सीट से लगे हुए गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर, बलरामपुर और अन्य तमाम इलाकों में बृजभूषण के लोग चुनाव लड़ते और लड़वाते रहे हैं। ऐसे में अगर बृजभूषण पर एक्शन होता है तो इसका नुकसान इन इलाकों में बीजेपी को जरूर होगा। बृजभूषण सरन सिंह समाजवादी पार्टी के नजदीकी भी रहे हैं। अगर बृजभूषण पर एक्शन होता है तो अखिलेश यादव की उनके लिए चुप्पी इस बार राजनीतिक वोटों के ध्रुवीकरण में तब्दील हो जाएगी। बीजेपी को नुकसान होगा जबकि समाजवादी पार्टी को फायदा। ये बात भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है और इसी कारण बृजभूषण के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अगर बृजभूषण तमाम जांच समितियों के बाद बरी हो जाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत भी होगी। इसका लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी इन्हीं समीकरणों को साधने में जुटी है। चुनाव के परिणाम क्या होंगे वो तो 2024 के मई महीने में पता चल जाएगा। लेकिन एक साल पहले बृजभूषण के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अगर वो परिणाम तक पहुंची तो इसका राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा, ये बात तय है।